हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबके जहाँ में आप सबका स्वागत है। सुबह हो चुकी है और मौसम जो है वो बहुत उसके बाद हम लोग गए बाजी के ससुराल। बाजी मतलब सनी की जो सिस्टर जो अभी सऊदी से आई हुई हैं, हम वहाँ पे गए थे बाजी को लेके। हमें कहीं जाना था, वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी सी चॉकलेट खाने को मिली थी तो मैं बड़ी खुश थी। और यहाँ पे मैं बाजी की सास जो है उनसे बात कर रही थी, वो बहुत प्यार से बात करती है और बड़े लोगों से बात करके वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार भी मिलता है। तो आपकी वेज थाली विदाउट सलाद के बाद विद सैलेड। हाँ विद सैलेड। नींबू, ये नींबू कौन से जमाने का है ये बताओ। के बाद बेटी हुआ से पूछ लिया। हमें लगता है जब इंडिया आजाद हुआ होगा तब का है ये। इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। सिर्फ 2 घंटे बाद मैं घर आ गई और सनी ने मुझे सरप्राइज किया मेरी सबसे फेवरेट जामुन के साथ, जो कि उन्होंने कानपुर से मंगवाई थी इरफान से। ये थोड़े मीठे ज्यादा कर दिए हैं, सनी को पसंद है ना मीठे। तो यहाँ पे दस्तरखान जो है पी वाली लाइन तो ठीक थी, परफेक्ट। बहुत देर से डेकोरेट कर रही थी तो नहीं वाली, और ये वाली थोड़ी खराब हो गए। वैसे तो होंगी, वो ऐसा शेप ही है उनका। इफ्तार का जो टाइम है फ्रेंड्स वो 10-15 मिनट बाद होने वाला है। यहाँ पे आज ओपन में थोड़ा इफ्तार करने का मन कर रहा था, इतनी ज्यादा हवा नहीं चल रही, थोड़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी खुले खुले में बैठने का मन था। तो यहाँ पे सब कुछ सेट करके फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखो सनी ने भी सरप्राइज दे दिया, आ गया। गिरे जा, खुशी में गिरे जा। वेलकम वेलकम का मतलब क्या है? स्वागत। अच्छा, आपका स्वागत है, खुश आमदीद। फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ पे दस्तरखान जो है वो सज चुका है। बेटी खाले ने इतनी देर में पूरी तैयारी की है बेटी खाले ने, लेकिन रोजा यहाँ खोलना है पहले, वादा कर। हाँ भाई, किस चलना घूमने? जल्दी बताओ कौन कौन चलेगा घूमने, कौन कौन जाएगा, जल्दी बताओ कहाँ जाना है। वो कह रहे भिलाई है। भिलाई चले चले, बच्चा पार्टी, चलो आ जाओ चलो। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, मैं तो बहुत दिन बाद जा रही हूँ। तुम लोग कल गए थे? अरे वाह, चलो फिर हम लोग जाके घूम के आते हैं। लेवल चाय आ गई, पियो अफ्तार के बाद पहली चाय। देखो एक तो कप छोटा, ऊपर से चाय भी कप। काफी दिनों से घर का काम चल रहा था और रूम जो हमारा ड्राइंग रूम एक तरह से वो बन रहा था, आपको अब तक दिखाया नहीं था, प्रॉपर उसका डेकोर नहीं हो पाया, लेकिन काम जो इतने दिनों से चल रहा था, धूल मिट्टी वो सब हो चुका है, तो आप सबको दिखाना बनता है। तो मैंने सोचा इसी ब्लॉग में सब आपको दिखा देती हूँ, ताकि ईद के ब्लॉग में आने वाले ब्लॉग में जो प्रॉपर रेडी हो जाएगा तो फिर वो आपको दिखाऊंगी। तो नीचे का फ्लोर तो आपने देखा ही होगा, फिर प्रॉपर रूम टूर देंगे इंशाल्लाह बाद में, लेकिन अभी जो काम कराया वो यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ। यहाँ के टाइल्स हमने लगवाए हैं पूरे नीचे तक, ये सीढ़ी वाले टाइल्स अलग आते हैं, वुडन वाला हमने चूज किया था, थोड़े से खुरदुरे होते हैं, सबको पता होगा, इस पर भी जो कराया वो बोलते हैं। ये जो ग्रिल है वो लगवाई है, फिर रूम आपको बाद में दिखाते हैं। फिर ये वाला जो आपने देखा होगा कि मुझे हमेशा से ओपन किचन चाहिए था, किचन इतना यूज नहीं होता, एक ही बात है, एक ही घर है, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, लेकिन फिर चाहिए था कि जब भी मैं कुछ बनाऊँ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो, कि मैं गिराती ज़्यादा हूँ, गंदा भी ज़्यादा करती हूँ, और मज़ो आ गया नीचे। और अभी ये सब पुराने जो डोर्स निकले वो भी यहाँ रखे हुए हैं, उससे कुछ नहीं कर सकते, आप कल भेज देंगे कहीं के। तो ये जैसे आप सीरियलों में देखते, फिल्मों में देखते, खुला खुला ऐसा चाहिए था मुझे। ऐसा मुझे शुरू से मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर कोई बना के मैं सनी को और सबको पराठे या कुछ बना के दूँ। यहाँ पे गर्म गर्म खाना बना के दो, यहाँ पे फैमिली बैठी हो और खाती खाओ। और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगवाना भूल गए, सोचे तो खुला रहेगा तो वो भी लग जाएगा, एग्जॉस्ट भी लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट लगवा लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल इतना हिलते भी मुझे पता ही नहीं था। तो अभी यहाँ पे अच्छा काम बचा है, मॉड्यूलर किचन बनवाना है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे फिर इंशाल्लाह करवाते जाएंगे, तो ये ऊपर भी कवर्स आ जाएंगे और नीचे भी ये पैक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। और यहाँ पे एक बैल्कनी भी बन गई है, यहाँ भी सामान रखा हुआ है, कोई बात नहीं, सामान धीमे धीमे रिस हो जाएगा ना। तो ये है, यहाँ से बहुत अच्छा है क्योंकि मज़ार भी दिखते हैं, मज़ार दिखते हैं। और यहाँ पे दिखाइए,
अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। यहाँ पे स्पेस फ्रंट बहुत सारी है, एक रूम भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, लेकिन खुला चाहिए, ज्यादा चाहिए। और मतलब हमें बहुत बार दावतें होती हैं, सब कुछ होता है ना, तो फिर ज्यादा स्पेस चाहिए होती है सबको बैठाने के लिए। बस हाँ, कुरान खानी भी करानी है। और ऊपर इसमें हमने फॉल्स सीलिंग नहीं बनवाई है, जरूरत नहीं थी, है ना, तो नॉर्मल लाइट्स लगवाई है, कंसील लाइट बोलते हैं शायद इनको। और फैन लगवा लिए है यहाँ पे एसी नहीं चाहिए, तो ये नीचे का यहाँ से दिखता है, और यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ी है। यहाँ पे फिर उन्होंने देखो एक डिजाइन बना दी है। अभी कुछ कुछ चीजें हैं तो होना बाकी है, जैसे कि इसमें पॉलिश होना है। कारीगर हाँ जो है वो है, तो उन्होंने ये वॉल हमें बना के दे दी है। और ये कलर भी आपने काफी सारे लोगों ने चूज किया था कि ब्राउन या बेज कर दो, तो ये कलर जो हमने यहाँ पे ये वाला कराया है, बहुत सटल सा, बहुत सिंपल सा, इसमें आप कोई भी फर्नीचर रख दो, कुछ भी कलर कर दो, अच्छा रहेगा। ये दो लैम्प हमें चाहिए साथ में, हमें कानपुर से मिल गए थे, ये एक हमें दिया था 1250 रुपीस का, ये लाइट हमें हैंडमेड गिफ्टिंग ने भेजी है। हमारे दोनों के नाम है यहाँ पे, इसके बिना थोड़ा बुरा ही है क्योंकि मुझे लाइट वैसे ही पसंद है, हम दोनों का नाम भी यहाँ होना चाहिए। बाकी हमें इसमें यहाँ पे मिरर भी चाहिए, तो हमने देखा पेपरफ्राई यहाँ पे भेज दिया, लेकिन वो यहाँ डिलीवर नहीं करता है, तो कभी इंशाल्लाह कानपुर लखनऊ जाएंगे, अगर कोई भेजता होगा तो फिर आगे कुछ करेंगे। फिर कुछ कुछ फर्नीचर हम इंशाल्लाह यहाँ पे लेंगे, वो आपको इंशाल्लाह ईद के ब्लॉग में दिखेगा। ये जो सीलिंग का डिजाइन है ऐसा वाला बनवाया था, और ये फैन भी थोड़ा डिफरेंट है। हाँ जी बोलिए। ये बोल रहा है कि इस रूम में जो भी कुछ है वो सबको समझ में आ जाए, मुझे इसके बारे में कभी पता नहीं था, और एक चीज की ऐसे नहीं करवा रहा है, बस मैंने खाली इसको लाकर चीजें दी है, बाकी जो भी डिजाइन है, लाइट कहाँ लगवाना है, फैन कहाँ लगवाना है, गेम कैसे करवाना है, ये सब कुछ सवाल है, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं है, चाहे वो किचन से लेके नीचे ऊपर जो भी हुआ है सब कुछ सवाल के हिसाब से हुआ है, उसने सब कुछ किया है। बस ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो कनेक्शन रहना ही था, मुझे बहुत खटक सा रहा है। ये है हमारा बाकी डेकोरेशन हम वक्त के साथ करते जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो भी थोड़ा बहुत जो भी हमारा कुछ होगा वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, उसको समझ लीजिए। हाँ, ईद के लिए हमारे हमने सामान लिया है ताकि बैठने के लायक हो जाए। हाँ, जल्दबाजी में। हाँ, तो वो आपको दिखाएंगे, और अभी इसी के साथ वीडियो भी एंड करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जो भी आप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अब आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग, जो है ईद की तैयारी का ब्लॉग, आज मैंने भी लगवाई, बहुत सारे काम है, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और सबर की पहली ससुराल में। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, हैप्पी टू ऑल।